بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. सही मुस्लिम की एक हदीस अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसे सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स महज अपने माल में ज्यादती करने के लिए लोगों से मांगता है, तो वह हकीकत में जहन्नम के अंगारे और शोले मांग रहा है। अब चाहे जितना लेना है ले ले, कम लेना है ले ले, ज्यादा लेना है ले ले, फल्यस्तखिल औलियस्तकसर। यह हदीस का तर्जुमा। समझ में क्या आया इससे कि शरीयत को सवाल करने का मिजाज नापसंद है। मांगना किसके लिए? जिसको अल्लाह ने अच्छी हालत में रखा है, अल्लाह ने उसे ऐसी पोजीशन में रखा है, माली इस्तेदाद में रखा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों से मांगता है, ज़कात दो मुझे, सदका दो मुझे। जो शख्स माली इस्तेदाद, माली ताकत रखते हुए भी लोगों की ज़कात मांगता फिरे, लोगों का सदका मांगता फिरे, प्यारे नबी कह रहे हैं कि वो माल नहीं मांग रहा है, हकीकत में जहन्नम के अंगारे और शोले मांग रहा है। अब जहन्नम के अंगारे और शोले मांगने का मतलब ये कि ये कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है, सब बड़ा गुनाह है। बस लोग होते हैं मांगना उनकी आदत है, मेहनत कर सकते हैं मेहनत नहीं करते हैं, या घरेलू हालात ठीक भी रहते हैं पर मांगना उनकी आदत है, लोगों के सदकों पर पलना, लोगों की जकात पे पलना उनकी आदत होती है, वलियाज़ु बिल्ला। हां, जो वाकई मोहताज है, जो वाकई गरीब है, उसके लिए मांगना जायज है, बिल्कुल। जो वाकई गरीब है मोहताज है, उसके लिए तो शरीयत मांगने की इजाजत देती है। ये किसके बारे में है? ये उन लोगों के बारे में है जो मांगने से बच सकते हैं, अल्लाह ने इतनी हालत में तो उन्हें रखा है कि इत्मीनान से खा पी सकते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, बस हवस है, एक लालच है, वो मांगते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ऐसा शख्स माल नहीं, जहन्नम के अंगारे और जहन्नम के शोले मांग रहा है। हां, कभी कभार जो साहेब हैसियत होता है, साहेब इस्तितात होता है, कभी कभार हालात उसे भी मजबूर कर देते हैं, वो हालत मुस्तस्ना है, तब उसे भी मांगना जायज हो जाता है। चंद साल पहले की बात है, इसी मस्जिद में जुमा का खुतबा देने के बाद मैं अपने एक साथी के साथ वहां बैठा हुआ था, इसी मस्जिद में, अपनी चारमीनार मस्जिद में। तो एक शख्स को मैंने देखा हाथ में फाइल पकड़े हुए और इन शर्ट किए हुए, और बिल्कुल लग रहा वीआईपी किस्म का आदमी, घूम रहा है, हमारी तरफ देख रहा है। मैं अपने एक साथी के साथ बात करते बैठा हूं, हमारी तरफ देख रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, वो असल लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। सब लोग चले गए तो वो हमारे करीब आया, आकर जो है मांगने लगा, कहने लगा कि कुछ दीजिए। तो मुझे बिल्कुल गुस्सा आ गया, अरे देखने से लग रहा है किसी अमीर घराने का शख्स, वीआईपी किस्म का, फाइल पकड़ा हुआ है और मांग रहा है। मैंने उस पर गुस्सा किया, मैंने कहा शर्म करो जरा। तो जैसे ही मैंने कहा कि शर्म करो, तो बेचारे की आंखों से फौरन आंसू जो है निकल गए और कहने लगा कि मौलाना साहब आप सही कह रहे हैं, आपको शायद यह लग रहा है कि मैं किसी साहेब हैसियत घराने का हूं, सही है,
लेकिन इस वक्त मेरा सिचुएशन ये है, मैं हुबली का हूं, हुबली से आया हुआ हूं, मैं जॉब के सिलसिले में आया हुआ हूं मैं, और जॉब मुझे मिल चुका है। अब बस ये है कि जितने पैसे लाया था सब खत्म हो गए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, और यहां मेरे मेरा कोई शनासा नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है, और पैसे भी मैं इसलिए मांग रहा हूं, खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे जो आपसे मांग रहा हूं इसलिए कि कंपनी जहां मुझे जॉब मिला है उसने यूनिफॉर्म दिया है जो सिलाई के लिए डाला हूं मैं, वो सिलाई करके वो सिलाई की कीमत मांग रहा हूं आपसे बस मैं। तो जब उसने ये कहा कि सिलाई की कीमत मांग रहा हूं, तो मैंने मेरे दोस्त ने कहा कि अच्छा ये कहां तक सच्चा है, ये जानने का एक जरिया हमको मिल गया, चलो वो दर्जी के पास लेके चलो, चाहे जहां हो, जहां तुमने वो कपड़ा डाला है मुझे, हम दोनों को वहां लेके चलो। तो हम दोनों को लेके गया वो, हम दोनों गए करीब ही में एक दर्जी, तो उस दर्जी की दुकान में हमने कहा तुम कुछ नहीं बोलना, उस दर्जी के दुकान में गया, ले गया हमको, हमने दर्जी से पूछा इन साहब ने कोई ड्रेस डाला हुआ है क्या, वाकई दर्जी उठा के यूनिफॉर्म दिखाया, यकीन कीजिए। तो हमको बहुत तकलीफ हुई, फौरन हमने वो कीमत अदा की, वो दर्जी की जो कीमत थी वो, फिर उनको जेब खर्च के लिए भी कुछ दिया, उजारो कितार वहां भी रोने लगा वो, हमको भी बहुत तकलीफ हुई, और हमने उससे जो जुमला कहा उस पर हमने भी माफी मांगी, शर्म करो जो बोल दी है। हालात कभी इंसान को क्या करते, इस तरह से मजबूर करते। शरीयत देखो, हमारी शरीयत में कैसा तवाजुन और बैलेंस है। एक तरफ शरीयत कह रही मांगने वाला वो जहन्नम के शोले मांगता है, ये भी कहती है शरीयत, और दूसरी तरफ शरीयत ये भी कहती है लिस्साइल हक व इंजा अला फरस, लिस्साइल हक व इंजा अला फरस, मांगने वाला हक रखता है उसे देना चाहिए, अगरचे कि वो मांगने के लिए घोड़े पे बैठकर क्यों ना आए। हदीस है घोड़े पे बैठ के आना, घोड़े पे कौन, घोड़े घोड़सवारी कौन करता है, अमीर करता है। प्यारे नबी कह रहे कि मांगने वाला घोड़े पे बैठ के भी आए उसे देना चाहिए, समझ रहे हैं आप, ये हदीस ऐसे मौकों पर समझ में आती है, समझ में, जो अभी मैंने वाकया सुनाया ना, देखने से तो लग रहा है कि वाकई वो अमीर घराने का है, लेकिन वाकई जरूरत थी उसको। तो असल में शरीयत का मिजाज ये है, शरीयत ये चाहती है, एक तरफ वो जरूरतमंदों को कहती है मत मांगो, हाथ मत फैलाओ, मांगो मत, जरूरतमंदों से ये कहती है शरीयत, और अमीरों और मालदारों से कहती है तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मुआशरे के जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ कर दो, उनको मांगने का मौका मत दो, उनके मांगने से पहले आगे बढ़ के दे दो, ढूंढ ढूंढ कर तुम दोगे तो फिर वो मांगेंगे नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वल्लदीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं अल्लाह के बंदों के माल में तयशुदा हक रहता है, तयशुदा हक किसका, साइल का भी महरूम का भी। अल्लाह वाले ईमान वाले साइल को भी देते हैं महरूम को भी देते हैं, तो साइल कौन है, साइल वो है जो मांग लेता है, हाथ फैलाता है कि दो भाई, अल्लाह वाले उसको भी देते हैं जो मांगता है, और साइल के साथ साथ महरूम को भी देते हैं। ये महरूम कौन है, ये महरूम वही है जो जरूरतमंद है मगर मांगता नहीं है, इज्जत नफ्स रोक रही है, बड़े खानदान का है, खानदानी शरफ रोक रहा है, कैसे मांगू मैं, हालांकि है जरूरतमंद। तो शरीयत कहती है जो मालदार है मुआशरे के ऐसे जरूरतमंदों को पहचानने की कोशिश करो, और ऐसे जरूरतमंदों को पहचान कर आगे बढ़कर तुम दो, ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह का और सदका खैरात का बहुत ही आला दर्जा है। तो ये चीज है, लेकिन जो हदीस मैंने पढ़ी है उसमें उन लोगों के लिए इबरत है जिन लोगों ने मांगने को मशगला बना रखा है, मांगने को मशगला बना रखा है, बिना जरूरत मांगते हैं,
अल्लाह ने उन्हें साहिब हैसियत रखा है, फिर भी लोगों की जक़ात और सदक़ात मांगते फिरते हैं, उनके लिए तो बहुत सख्त वईद है ये कि तुम याद रखो माल नहीं मांग रहे हो, जहन्नम के शोले और जहन्नम के अंगारे मांग रहे हो। रब्बुल इज्जत ऐसी जिल्लत से और ऐसी रुसवाई से हम सबको बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन।